कैफे यहाँ सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फाइलम सिलेंट्रेटा में रखे गए एक ऑर्गेनिज्म ओबिलिया के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओबिलिया का क्लासिफिकेशन, उसका हैबिट और हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम इस वीडियो में कम्प्लीट डिस्कस करेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल करेक्टर्स को हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या ऊपर आई के बटन पे आपको ये लिंक दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओबिलिया का क्लासिफिकेशन। ओबिलिया को फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा गया है। फाइलम सिलेंट्रेटा के क्या करेक्टर्स हैं? जो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? एक्वाइटिक होते हैं, और एक्वाइटिक में वो क्या होते हैं? मैराइन होते हैं ज़्यादातर, और कुछ क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। हाइड्रा क्या है? एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, ठीक है ना। और ओबिलिया क्या है? एक क्या नाम है, मैराइन मेंबर है फाइलम सिलेंट्रेटा का। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? एक्वाइटिक होते हैं, उनमें से ज़्यादातर मैराइन वाटर में पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म में सेल टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिलता है हमको। जो फाइलम सिलेंट्रेटा है हम उसको निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, फाइलम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्लास हाइड्रोजोआ, ओबिलिया को क्लास हाइड्रोजोआ में रखा गया है। ऑर्डर हाइड्रोइडा, और द जीनस क्या है हमारा? ओबिलिया। तो ये क्या था? ये ओबिलिया का सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट। ओबिलिया कहाँ पर रहता है, ठीक है ना। ओबिलिया इज अ सेडेंटरी मैराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड हैविंग कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ओबिलिया क्या है? एक सेडेंटरी एनिमल है। सेडेंटरी एनिमल कहने का मतलब है ये फिक्स्ड रहेगा, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, ये किसी रॉक से अटैच होता है। तो ये क्या है? सेडेंटरी है, ये मूव नहीं कर सकता इधर उधर। मैराइन है, मैराइन वाटर में पाया जाएगा जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड है, ये क्या है? कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। हैविंग कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलिटन वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलता है। इट रिमेन अटैच टू रॉक स्टोन्स एंड शेल्स ऑफ द एनिमल्स। ये किससे अटैच रह सकता है? रॉक से, किसी रॉक से हो सकता है, स्टोन से अटैच रह सकता है, या कोई सी एनिमल की जो शेल है उस पर भी हमें ये देखने को मिलता है अटैच हुआ हुआ। इट लुक्स वाइटिश और लाइट ब्राउन इन कलर। अगर हम इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो कैसा हो सकता है? वाइटिश हमें देखने को मिल सकता है, या लाइट ब्राउन हो सकता है, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया इसका हैबिट और हैबिटेट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। हाइड्रोइड कॉलोनी, क्या नाम है? ये जो है कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, तो इसकी कॉलोनी का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, हाइड्रोइड कॉलोनी ऑफ ओबिलिया इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड वाइटिश और लाइट ब्राउन इन कलर। ये जो हाइड्रोइड कॉलोनी है ओबिलिया की, ये सेमी पेरेंट होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, और वाइटिश या लाइट ब्राउन कलर की होती है। ईच हाइड्रोइड इज़ अ कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड जॉइड्स। ये जो हाइड्रोइड की जो कॉलोनी है इसमें हमको डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जॉइड्स कहते हैं। ये क्या है? ये हमें देखने को मिलती है इसकी कॉलोनी। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या देखने को मिल रहे हैं हमको? इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे, और इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं? जॉइड्स कहते हैं हम। अभी आगे हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो में बने रहे। अ हाइड्रोइड कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग स्टेम कॉल्ड हाइड्रोकॉलस। अगर हम इसकी कॉलोनी को देखें ओबिलिया की, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो आगे ब्रांच पे डिवाइड हो रहा है। तो ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोकॉलस कहलाता है। टू टू थ्री सेंटीमीटर अबव द रूट लाइक स्टोलन और हाइड्रोराइजा। ये किस पे प्रेजेंट रहेगा? ये हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इससे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है हाइड्रोकॉलस। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोकॉलस है, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है?
किसके ऊपर है ये? स्टोलन के ऊपर है, जिसे हम हाइड्रोराइजा भी कहते हैं, जो हमें रूट लाइक दिखता है, ठीक है ना। ये स्टोलन है और ये क्या है? हाइड्रोकॉलस। हाइड्रोकॉलस गिव्स ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस इन अल्टरनेट मैनर। ये जो हाइड्रोकॉलस है, ये शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं इससे, ठीक है ना, अल्टरनेट मैनर पर ये अराइज हो रही है, ये अल्टरनेट मैनर पर ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। तो हाइड्रोकॉलस से अल्टरनेट मैनर पर क्या शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। द लेटरल ब्रांचेस बी एस अ जॉइंट। अब ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं, ये क्या है? लेटरल ब्रांचेस है, इस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया इसकी जो कॉलोनी है इसमें डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल जिन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये जॉइंट्स प्रेजेंट रहेंगे। दीज आर न्यूट्रिटिव जॉइंट्स, द गैस्ट्रो जॉइंट्स और पॉलिप और हाइड्रेट। ये वाला जो जॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये कैसा है? ये न्यूट्रिटिव जॉइंट है। न्यूट्रिटिव जॉइंट कहने का मतलब है ये क्या करता है? फूड को ईट करता है, फूड को कैप्चर करता है, और ये क्या करता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोजॉइट कहते हैं हम इसको, पॉलिप कहते हैं या हाइड्रेंट भी कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम इसको बोल सकते हैं, गैस्ट्रोजॉइट्स, पॉलिप या हाइड्रेंट। इन द एक्सियल ऑफ ओल्डन पॉलिप डेवलप सिलेंड्रिकल जॉइंट्स, द गोनोजॉइट्स और गोनेंजिया और ब्लास्टोसील। हमने डिस्कस करा हाइड्रोकॉलस से क्या अराइज हो रही है? ब्रांचेस अराइज हो रही है, और इस पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हमने डिस्कस करा था एक जॉइंट जिसे हम पॉलिप कह रहे हैं, हाइड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई पॉलिप ओल्ड हो जाता है, जो ओल्डन पॉलिप है, जो ओल्ड हो जाता है, ठीक है ना, उसके एक्सियल वाली रीजन में क्या डेवलप होने लगते हैं? सिलेंड्रिकल जॉइंट्स क्या हो सकते हैं? डेवलप होने लगते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? गोनोजॉइट्स या गोनेंजिया या ब्लास्टोसील कहते हैं। ये क्या है? ये ओल्ड पॉलिप है कोई, ठीक है ना, इसके एक्सियल में क्या डेवलप हो रहे हैं? ये हमें सिलेंड्रिकल जॉइंट्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? गोनोजॉइट्स कहते हैं, गोनेंजिया या ब्लास्टोसील कहते हैं। दस ओबिलिया कॉलोनी इज डाइमॉर्फिक। इसलिए हम कह सकते हैं जो ओबिलिया की कॉलोनी है वो डाइमॉर्फिक है। इसमें हमें दो फॉर्म देखने को मिल रही है, एक थी पॉलिप फॉर्म, ठीक है ना, पॉलिप फॉर्म, हाइड्रेंट कह रहे थे जिसको, और एक जो फॉर्म है वो क्या है? ब्लास्टोसील फॉर्म है। तो ओबिलिया की कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? डाइमॉर्फिक कहते हैं, क्योंकि इसमें दो फॉर्म हमें देखने को मिल रही हैं। When blastocells develop saucer-shaped bodies, the medusa colony become trimorphic. अब ये जो ब्लास्टोसील है, ठीक है ना, जब ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं धीरे धीरे, ये saucer shaped की बॉडीज में डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रो करेंगे, ये saucer शेप की बॉडी में डेवलप हो जाएंगे, उसको क्या कहते हैं हम? मेडुसा कहते हैं, ठीक है ना, मेडुसा कहते हैं। तब ये क्या हो जाती है? ओबिलिया की कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? ट्राईमॉर्फिक कहते हैं। ट्राईमॉर्फिक क्यों कह रहे हैं? अब हमें इसमें तीन क्या नाम है, इंडिविजुअल देखने को मिले। सबसे पहले पॉलिप, फिर था ब्लास्टोसील, फिर मेडुसा का फॉर्मेशन हुआ। अब हम कॉलोनी को क्या कहते हैं? ट्राईमॉर्फिक कॉलोनी ये हो जाती है, ठीक है ना। जब तक इसमें पॉलिप प्रेजेंट था, पॉलिप ये था, ठीक है ना, फिर ब्लास्टोसील, तब हमें इसको क्या कहते हैं? डाइमॉर्फिक, दो फॉर्म प्रेजेंट थी इसमें। फिर जब मेडुसा का फॉर्मेशन हुआ, इन ब्लास्टोसील से मेडुसा का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या कॉलोनी होगी? ट्राइमॉर्फिक हो गई। होप है आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सिनोसार्क। ब्रांचेस एंड जॉइंट्स ऑफ द कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ एन इनर टिबुलर एंड लिविंग पोर्शन कॉल्ड सिनोसार्क, ठीक है ना। ये जो ब्रांचेज हैं, इससे जो डेवलप्ड हो रही हैं ब्रांचेज, और जो जॉइंट्स हैं कॉलोनी के, उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? इनर ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन हमें देखने को मिलता है। ये जो ब्रांच है इस पर हमें ये ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं? सिनोसार्क कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं हम, ये क्या है ब्रांचेज के? ये वाला रीज़न, यहाँ पे टिबुलर या लिविंग पोर्शन प्रेजेंट रहता है, जिसे हम सिनोसार्क कहते हैं। नेक्स्ट है पेरिसार्क। सिनोसार्क इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय अ येलोइश और ब्राउन नॉन लिविंग काइटिनियस लेयर। अब ये जो सिनोसार्क है, ये घिरा रहता है, किसके थ्रू घिरा रहता है?
एक येलोइश या ब्राउन कलर के नॉन लिविंग काइटिनियस लेयर के थ्रू, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरिसार्क कह रहे हैं। ये क्या है, सीनोसार्क है। सीनोसार्क किसके द्वारा घिरा हुआ है, किसके थ्रू सराउंडेड है, वो येलोइश ब्राउन नॉन लिविंग लेयर के द्वारा ये क्या है, सराउंडेड है। इसे हम क्या कहते हैं, पेरिसार्क कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड पेरिसार्क। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ सीनोसार्क। अब ये जो पेरिसार्क है, ये क्या होता है, सीनोसार्क की एपिडर्मिस से क्या होता है, सिक्रीट होता है। इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव एक्सोस्केलेटन। इस पेरिसार्क का क्या काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है एक एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में कॉलोनी को, ठीक है ना। एट द बेस ऑफ ईच जॉइंट्स एंड ऑल्सो बिलो द बेस ऑफ लेटरल ब्रांचेस, पेरिसार्क बियरिंग रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिसार्कल एनुली। अब हमने देखा यहाँ तो ब्रांचेस पे तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, बट जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बेस पर, जॉइंट्स ये है हमारा जॉइंट, हमने देखा ये क्या है, जॉइंट, जॉइंट के बेस पर यहाँ पर ये जो पेरिसार्क है ना, पेरिसार्क क्या करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिसार्कर एनुली हम इनको कहते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये है हमारा जॉइंट्स, ठीक है ना। हमने देखा अभी दो टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट थे, एक था पॉलिप और था एक था ये ब्लास्टोसील। इनके बेस पर क्या हो रहा है, ये पेरिसार्क रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें बनाने को देखने को मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिसार्कल एनुली। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जॉइंट्स। द हाइड्रॉइड कॉलोनी ऑफ ओविलिया बियर्स टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और जॉइंट्स। अभी हमने डिस्कस किया जो ओविलिया की जो कॉलोनी है, उसमें हमें दो टाइप्स के इंडिविजुअल्स या जॉइंट्स देखने को मिलता है। एक है पॉलिप, जिसे हम हाइड्रॉइड या गैस्ट्रोजॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील को हम क्या कहते हैं, गोनोजॉइंट्स भी कहते हैं। ये क्या है, पॉलिप है, ये क्या है, ये भी पॉलिप है, बट ये क्या है, इसमें ये जो है ना, टेंटिकल्स ओपन है फूड कैप्चर में, ठीक है ना, इस वजह से डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, टेंटिकल क्लोज्ड है, ठीक है ना। ये था हमारा हाइड्रेंथ। ये दिखाया गया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और इधर किसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया, गोनेंजिया। गोनेंजिया किसे कह रहे हैं, ये जो है ये ब्लास्टोसील वाला पोर्शन क्या कहलाता है, गोनेंजिया कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका दिखाया गया, इससे मेडुसा बर्ड अराइज होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक जॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम पॉलिप, हाइड्रेंट या गैस्ट्रोजॉइंट्स के बारे में। पोजिशन, इसकी पोजिशन क्या है कॉलोनी में। हाइड्रेंथ ऑफ कॉलोनी बॉर्न ऑन द डिस्टल एंड्स ऑफ द हाइड्रोकॉली और देयर ब्रांचेस। ये जो हाइड्रेंथ है या पॉलिप है, ये कहाँ पे बॉर्न होता है, डिस्टल एंड ऑफ हाइड्रोकॉलाई। हाइड्रोकॉलाई के डिस्टल एंड पे ये बॉर्न होता है, और देयर ब्रांचेस, और उनकी ब्रांचेस पर। अब हम पॉलिप का देख लेते हैं शेप क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पॉलिप को क्या नाम है, कट करके इसका इमेज दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखें, अगर ये क्या है, पॉलिप है, पॉलिप को अगर हम कट करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, तो उसी को जूम करके वहाँ पर दिखाया गया है। ईच हाइड्रेंट इज कॉनिकल वास लाइक ओपनिंग एट बोथ एंड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये कैसा दिख रहा है, कॉनिकल दिखाई दे रहा है, वास लाइक दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है ना। इट इज़ येलोइश इन कलर एंड इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। अगर हम इसका कलर देखें, ये हमें येलो कलर का दिखाई देगा, ठीक है ना। कलर इसका क्या है, येलो है, और ये रेडियली सिमेट्रिक को शो करता है, ठीक है ना, रेडियली सिमेट्रिक को ये शो करता है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। द बॉडी ऑफ हाइड्रेंथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अगर हम हाइड्रेंथ की बात करें, हाइड्रेंथ को फॉलोइंग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है पार्ट है, वो है स्टॉक। द बेसल पार्ट ऑफ हाइड्रेंथ इज अ होलो स्टॉक बाय विच इट इज अटैच टू द हाइड्रोकोलस। हाइड्रेंथ का जो बेसल वाला पार्ट है, ये कैसा होता है, होलो होता है, यहाँ पे होलो होता है, और ये किससे अटैच्ड रहता है, ये हाइड्रोकोलस से अटैच्ड रहता है।
ठीक है ना। अगर हम हाइड्रेंथ जो है पॉलिप है उसमें हम देखें, सबसे अपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, माउथ हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या करता है, फीड करता है। ये किस पे, माउथ जो है हाइपोस्ट्रोम पे प्रेजेंट रहता है। ये वाला रीजन हाइपोस्ट्रोम क्या रहता है, ये क्या है, सिलेंट्रोन। इसकी जो कैविटी है, कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रोन कहते हैं। ये क्या है, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या है कर रहे हैं, ये फूड को कैप्चर में हेल्प, फूड के कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे प्रेजेंट है एंडोडर्म, एंडोडर्म फिर है एक्टोडर्म, ये क्या है, हाइड्रोथीसा। हाइड्रोथीसा ये है एक्टोडर्म, ये मिजोंगलिया प्रेजेंट है, ये एंडोडर्म प्रेजेंट रहेगी, ये पेरिसार्क है, सिनोसार्क और पेरिसार्कल एन्यूली, ठीक है ना, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाइपोस्ट्रोम। द डिस्टल वन थर्ड पार्ट ऑफ जॉइड इज़ अ कॉनिकल प्रोजेक्शन एंड इज नॉन एज हाइपोस्ट्रोम। ये जो पॉलिप है इसका जो वन थर्ड पार्ट है, वन थर्ड पार्ट जो जॉइड का है वो कैसा होता है, कॉनिकल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्ट्रोम कहते हैं, हाइपोस्ट्रोम। इट बियर्स टर्मिनल माउथ सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ 24 टेंटिकल्स। ये जो हाइपोस्ट्रोम है, हाइपोस्ट्रोम पे क्या प्रेजेंट रहता है, माउथ प्रेजेंट रहता है, और ये माउथ 24 टेंटिकल से घिरा रहता है। ये टेंटिकल्स है जो माउथ को घेरे हुए हैं। माउथ ओपन्स इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये जो माउथ है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ओपन होता है, जो कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाया गया है। ये माउथ है जो टेंटिकल से सराउंडेड है, और ये माउथ जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओपन होता है। नेक्स्ट है फंक्शन। ये जो पॉलिप है कॉलोनी के अंदर, इसका फंक्शन क्या है, द पॉलिप आर द न्यूट्रिटिव जॉइड। ये कहता है एक न्यूट्रिटिव जॉइड है, इसका काम है फीडिंग करना, ठीक है ना। दीज आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होते हैं, एंड फीड अपॉन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक में जो स्मॉल एनिमल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो क्या है, ये न्यूट्रिटिव जॉइड्स है और ये कार्निवोरस हैं, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स पर ये फीड करते हैं। तो गाइस, ये हमने ओबेलिया की कॉलोनी का जो फर्स्ट जो जॉइड है पॉलिप, जिसे हाइड्रेंथ किया है, उसके बारे में डिस्कस किया है। इसके पार्ट सेकंड में हम जो सेकंड जॉइड है ब्लास्टोसील और जो मेडुसा है उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पार्ट टू देखना ना भूलें, ठीक है ना, तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, take care. Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why do you wanna move like that? Where you want going?